विकास योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा आपके द्वार कार्यक्रम का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत लगातार सरकार के विभिन्न पदाधिकारी हो या फिर स्वयं सूबे के स्वयं मुख्यमंत्री लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ये लोगों को एहसास करवाना चाह रहे हैं कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। जिन योजनाओं को लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचाया गया है, जिन योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिला है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें उन योजनाओं का लाभ दिया जा सके। जिला प्रशासन की ओर से DC हो या फिर DDC हो या फिर अपर समर्थक हो, SDO हो, CO, BDO, तमाम पदाधिकारी हो, जिला पूर्ति पदाधिकारी हो या श्रम विभाग के पदाधिकारी हो, मेडिकल अफसर हो, तमाम पदाधिकारियों द्वारा लगातार विभिन्न इलाकों में जाकर कैंप किया जा रहा है और कैंप करके कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें एक गुमला में एक इंटरेस्टिंग पहलू ये देखने को मिल रहा है कि इस अभियान में जिला के पुलिस कप्तान भी पूरी तरह से शामिल हो गए हैं। जिला के पुलिस कप्तान ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि जहां जहां इस तरह कैंप आयोजित किया जा रहा है, उन कैंपों में स्वयं पुलिस के पदाधिकारी मौजूद रहे, DSP इंस्पेक्टर हो या थाना प्रभारी हो, उस लेवल के पदाधिकारी मौजूद रहे और लोगों से आग्रह करें कि अगर उनकी कोई समस्या थाना को लेकर है तो उसका समाधान किया जा सके। साथ ही साथ SP ने सीधा आग्रह किया है लोगों से कि हमारे समाज में आज जो नशा का सेवन करने वाले लोग हैं, जिसके कारण लगातार उनका भटकाव हो रहा है, आपराधिक गतिविधि में लोग शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को इससे बचने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं अपने युवा को बचाने की आवश्यकता है कि नशा में सेवन में ना पड़े और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में चलकर अपना विकास करें, कुछ बेहतर काम करें ताकि उनके गांव घर का विकास हो सके। साथ ही साथ SP ने कहा है कि कैंपों के माध्यम से लोगों को यह अवेयर किया जा रहा है कि सरकार की जो आत्मसमर्पण की पॉलिसी है, नक्सली में गतिविधि में जो शामिल लोग हैं उन्हें आत्मसमर्पण करने के बाद सरकार की कैसी योजनाओं को लाभ दिया जाता है, उन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि जो लोग जिन इलाकों में जिनके परिवार के लोग अगर भटक गए हैं तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करके उनके जीवन को बेहतर किया जा सकता है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि सरकार का यह अभियान न केवल विकास योजनाओं को गाँव तक और गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की पहल है, बल्कि जिला प्रशासन की ओर से खासकर गुमला जिला में जिले के SP हरविंदर सिंह ने जो पहल की है वो निश्चित रूप से अनोखी पहल है और लगातार वो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार पुलिस से कैसे उनका संबंध बेहतर हो सके, ग्रामीणों का संबंध बेहतर हो सके। छोटी छोटी बातों को लेकर जब ग्रामीण आपस में बहुत बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो उससे बचने की आवश्यकता है, थाने से का मदद लें, थाने से शिकायत हो तो उसकी जानकारी पुलिस को दें। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला जिला के जो पुलिस कप्तान है हरविंदर सिंह की पहल ने इस अभियान को और बेहतर करने की कोशिश की है। जहां विकास योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, वहीं सरकार अपनी बातों को लेकर, पुलिस अपनी बातों को लेकर लोगों के पास जा रही है और खास दो मकसद है। जिले के पुलिस कप्तान का स्पष्ट कहना है कि हमारे जिले में नशा के सेवन कारण आपराधिक गतिविधि होती है, उस पर रोक लगाना है। साथ ही साथ जो हमारे इलाके में कुछ नक्सली जो भटके हुए, हालांकि बहुत हद तक नक्सलियों का सफाया हो चुका है, लेकिन जो नक्सली भटके हुए हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार की आत्मसमर्पण पॉलिसी है उसका लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है। जो गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, उसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े नक्सली जो लीडर्स थे वो भी मतलब अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब मतलब सरकार का विरोध करके, सिस्टम्स का विरोध करके मतलब उसमें कुछ रखा नहीं है। तो अब सरकार जब लोगों के लिए ही काम कर रही है तो उनसे लड़ के और अपनी जान गंवा के अपने फैमिलीज़ को जो है अबैंडन करके उसमें कुछ फ़ायदा नहीं रखता है, बल्कि उन सब चीज़ों से जो है विकास जो है जहाँ पहुँचना चाहिए समय से वो नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये मुझे लगता है ये सब रियलाइजेशन ऑफ लेट सब जगह पहुँच रहा है, बहुत सारे नक्सल लीडर्स जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और ये जो बाकी कुछ लोग रह गए हैं अभी भी जो दिग्भ्रमित हैं, जो अभी भी एक मन में एक इल्यूजन लेके चल रहे हैं कि कुछ कि मतलब हम जो है लड़ाई कर रहे हैं मतलब शोषित लोगों के लिए, तो उनको ये एक मतलब एक क्लियर होना चाहिए कि अब जो पूरा सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी गवर्नमेंट जो है शोषित वर्ग के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रही है। आप लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जो है स्कीम्स लेके आई है, रिहैबिलिटेशन जो स्कीम है यहाँ झारखंड गवर्नमेंट की बहुत ही खूबसूरत है, उसमें बहुत सारे अच्छे आपको प्रावधान दिए हुए हैं, आपको ज़मीन की फैसिलिटी है, सरेंडर होने पर आपको पर मंथ आपका स्टाइपेंड की फैसिलिटी है, तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग की फैसिलिटी है, तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग जो है उसमें प्रावधान है। तो आप आए मुख्य धारा से जुड़े और जो है हमारा जो राज्य है उसके विकास में और उसकी प्रगति में अपना योगदान दें। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि अन्य जिलों में तो सरकार आपके द्वार आपके इस अभियान की जो मेन लक्ष्य है वो ये है विकास योजनाओं को उन तक पहुंचाना, लेकिन गुमला जिले में पुलिस लगातार योजनाओं के बारे में बताने के साथ साथ कैसे सरकार की योजनाओं के लाभ ले सकते हैं, आत्मसमर्पण पॉलिसी हो या फिर आपको गलत मामलों में अगर फंसाया गया तो कैसे पुलिस से लाभ लेकर सही बातों को रखकर आप उस तरह के आरोपों से मुक्त हो सकते हैं, ये पहल की जा रही है। तो निश्चित रूप से इसकी चारों तरफ प्रशंसा की है और SP ने स्पष्ट कहा है कि इस अभियान के माध्यम से निश्चित रूप से समाज को बेहतर लाभ मिलेगा। सुशील कुमार सिंह, गुमला।